देखिए, डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी हमने पढ़ी, अब उसमें देखते हैं ट्रिबियल टोपोलॉजी और नॉन ट्रिबियल टोपोलॉजी। ट्रिबियल टोपोलॉजी के अंतर्गत जो आती है इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी आती है। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है उसको बताता हूं मैं आपको। पावर सेट ऑफ एक्स, सबसे बड़ा सबसेट, वो एक टोपोलॉजी फॉर्म करता है, उसी टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। पहले एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी लिया, इसका पावर सेट बनाऊंगा, उसी को टी बोल दूंगा मैं, फाई कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा बी, ये चार एलिमेंट आएंगे इसके सबसेट में, पावर सेट। तो ये टोपोलॉजी फॉर्म करेगा और वही टोपोलॉजी मेरी क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, देखते हैं, आइए, ये टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है। टी वन पहली कंडीशन देखिएगा, पहली कंडीशन क्या है, अगर पहली कंडीशन की बात करता हूं तो फाइव और एक्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं टी में, यस। टी टू सेकेंड कंडीशन लेते हैं, कोई भी दो टी ओपन सेट लीजिए आप, एक्स कॉमा फाइव इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉमा बी इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये फाइव मिलेगा बिलोंग कर रहा है, फाइव मिलेगा बिलोंग कर रहा है। अगला फाइव इंटरसेक्शन ए लो या फाई इंटरसेक्शन बी लो, ये भी बिलोंग कर रहा, फाई ही आएगा, फाई ही आएगा। और एक्स इंटरसेक्शन ए ले लो, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए मिलेगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए, और बी इंटरसेक्शन एक्स लेंगे वो भी क्या मिलेगा, बी मिलेगा, इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, सेकेंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन क्या है टोपोलॉजी की, टी थ्री, आर्बिट्री यूनियन, फाई और एक्स का इंटर यूनियन लेते हैं तो एक्स आएगा, और एक्स और ए का यूनियन लेते हैं तो एक्स आएगा, ए यूनियन बी लेते हैं ए भी आएगा, ए कॉमा बी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स है, और अगला एक्स यूनियन ए यूनियन बी लेते हैं तब भी आपको एक्स मिलेगा। आर्बिट्री यूनियन भी क्या है, बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने पढ़ी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, सबसे बड़ा सबसेट जो टोपोलॉजी फॉर्म करता है वो एक्स का, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसका सबसे बड़ा सबसेट जो टोपोलॉजी फॉर्म करता है उसको हम क्या कह देते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कह देते हैं। अब बात करते हैं इनडिस्क्रीट की। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, अगर हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करें तो एक सेट आई से नोट कर देते हैं इसको, फाई और एक्स भी एक टोपोलॉजी फॉर्म करती है, वो टोपोलॉजी आपकी क्या कहलाती है, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी, और आई एक्स इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। पहली कंडीशन टी वन, फाई और एक्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं आपके आई के अंदर, बिलोंग कर रहे हैं। टी टू, कोई भी दो टी ओपन सेट उठाइए, इसमें दो ही मेंबर है तो फाई इंटरसेक्शन एक्स लेंगे तो फाई बिलोंग करेगा। टी थ्री की बात करें तो टी थ्री क्या होगा, फाइव यूनियन एक्स लेंगे तो आपको एक्स ही मिलेगा, इसलिए ये भी टोपोलॉजी बना रहा है, तो ये कहलाती है आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनके अलावा अगर कोई भी सबसेट टोपोलॉजी फॉर्म करता है तो वो कहलाती है आपकी नॉन ट्रिबियल टोपोलॉजी। दो तरीके की टोपोलॉजी हमने पढ़ी, एक ट्रिबियल टोपोलॉजी, उसके अंतर्गत इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट आती है, और नॉन ट्रिबियल में और कोई, जैसे एक्स इज इक्वल टू मैं लेता हूं ए कॉमा बी, इसमें से एक टोपोलॉजी फॉर्म कराता हूं मैं एक्स फाइव और A. ये टोपोलॉजी बनाएगा, बी ले लीजिए ए ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोपोलॉजी फॉर्म करेगा, एक्स और फाइव बिलोंग कर रहे हैं, इसका इसका इंटरसेक्शन फाइव, इसका इसका इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन फाइव, इसका इसका यूनियन एक्स, इसका यूनियन एक्स, इसका यूनियन बी, तो इसका मतलब ये टोपोलॉजी बना रहा है, तो ये टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो दो टोपोलॉजी हमने देखी, एक ट्रिवियल एक नॉन ट्रिवियल। देखिए इसके नोट्स भी बनाता हूं, देखिए टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन कलेक्शन टाउ ऑफ ए सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड टोपोलॉजी फॉर एक्स इफ इट फॉलो फॉलोइंग एक्सीम या प्रॉपर्टी। वो एक्सीम क्या क्या होती है आप नोट्स भी बना सकते हैं, फाइव कॉमा एक्स दोनों टोपोलॉजी में बिलोंग करने चाहिए, टी टू कंडीशन, जी वन और जी टू कोई भी टी के मेंबर लीजिए आप, जी वन इंटरसेक्शन जी टू टी में होना चाहिए। टी थ्री, इफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, लैम्डा कोई इंडेक्स सेट का मेंबर है, तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट,
भी आपका टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहिए, मतलब आर्बिट्री यूनियन भी टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। तो उस केस में हम इस टी को टोपोलॉजी कह देंगे और एक्स टाउ को टोपोलॉजिकल स्पेस कह देंगे। क्या कह देंगे? टोपोलॉजिकल स्पेस। नाउ ट्रिबियल टोपोलॉजी क्या होती है उसको समझते हैं। फॉलोइंग टू टोपोलॉजीज आर ट्रिबियल, नोन एज ट्रिबियल टोपोलॉजी। उसमें से इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी दूसरी होगी, ये दो कहलाते हैं ट्रिबियल टोपोलॉजी। उसके अलावा जो नॉन ट्रिबियल टोपोलॉजी होगी, नॉन ट्रिबियल की हम बात करें, इनके अलावा कोई अगर और टोपोलॉजी बनती है तो वो क्या कहलाएगी? नॉन ट्रिबियल टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन डी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल कलेक्शन जितने भी सबसेट बन सकते हैं, देन डी इज ए टोपोलॉजी, दिस टोपोलॉजी इज नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एंड एक्स बी इज नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। समझते हैं इसको, देखिए एक्स और फाई डेफिनेटली डी में बिलोंग करेंगे, क्योंकि एक्स भी खुद एक्स का सबसेट होता है और फाई भी एक्स का सबसेट होता है। तो ये कहता है इस डी के अंदर वही मेंबर है जो कि एक्स के सबसेट है। अगर ये दोनों के दोनों एक्स के सबसेट है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्स और फाई डी में बिलोंग कर जाएंगे। इट मीन्स टोपोलॉजी की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकेंड देखते हैं, जीवन और जी टू कोई दो मेंबर मैं डी के उठाता हूं तो G1 भी X का सबसेट होगा, ऑल पॉसिबल कलेक्शन कह रहा है, G2 भी X का मेंबर होगा। अब जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ये बड़े सेट है तो इनका इंटरसेक्शन डेफिनेटली X में बिलोंग करेगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी X में बिलोंग कर जाएगा। इट मीन्स G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू D। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि X के जो पॉसिबल सबसेट से हैं उनका कलेक्शन डी के अंदर है, तो ये एक्स में है तो इसका मतलब इसके सबसेट भी G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या होगा? डी में बिलोंग कर जाएगा। नाउ इफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये डी के मेंबर आपने उठाए, देन पर्टिकुलर जी लैम्डा जो होगा आपका एक्स में बिलोंग करेगा, मतलब G1, G2, G3, G4 पांच है तो पांच के पांच एक्स में बिलोंग करेंगे। अगर ये एक्स में बिलोंग कर रहे हैं तो उसके सबसेट में भी बिलोंग करेंगे, और सबसेट का कलेक्शन क्या है? डी है। इसका मतलब यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट कंटेन इन एक्स, दैट्स व्हाई यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू डी। ये भी डी में बिलोंग करेगा, और यही कंडीशन हमारी क्या होती है? टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन होती है आर्बिट्री यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू डी। तो ये भी क्या हो जाएगा? डी में बिलोंग कर जाएगा। तो डी जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगी, और एक्स डी क्या हो जाएगी? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ये डिस्क्रीट की डेफिनेशन थी। इनडिस्क्रीट बताने की जरूरत नहीं, सीधे ही आप कह सकते हैं एक्स और फाइव जो है आपका वो एक टोपोलॉजी बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके आप तीन के तीन कंडीशन को रखेगा तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इक्वल्स टू एबीसी दिया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं। क्या ये T1 टोपोलॉजी फॉर्म करता है? एक्स फाई ए तो हमने करा दिया है। अगला देखिए एक्स फाई ए और ए सी, इसको चेक करिए आप, ये टोपोलॉजी फॉर्म करता है। फाई एक्स ए और बी सी टोपोलॉजी फॉर्म करता है। T4 ये टोपोलॉजी हमने देखना क्या है? पहले तो कंडीशन देखनी है, एक्स और फाई देखना है, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये देखनी है कि कोई भी दो मेंबर उठाओ उनका इंटरसेक्शन बिलोंग करना चाहिए। तीसरा हमने ये देखना है कि कोई भी मेंबर आप उठाइए उनका आर्बिट्री यूनियन भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करता है तो टोपोलॉजी हो जाएगी, और कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल होती है तो टोपोलॉजी नहीं होगी। ठीक है।